नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ हूँ समाज के दूसरे वीडियो में और समाज के प्रथम भेद भाव समाज में। अब देखिएगा, अभी भाव समाज की परिभाषा यहाँ पर है, पहला पद अभी तथा दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है, अर्थात जब समाज करेंगे समाज अर्थात दोनों पदों को आपस में जोड़ देंगे, ऐसी स्थिति में पहला पद क्या होगा, तो पहला पद होगा अभी। जैसे मैंने यहाँ पर सामासिक पद कर रखे हैं, समास कर रखे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा पहला पद है वो अभी है, सभी के अंदर देख लो, ठीक है ना। इसमें पहला पद अभी तथा दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है, नपुंसकलिंग एक वचन में यह समास होता है, दोनों पद मिलकर के अव्यय हो जाते हैं। अब देखिएगा अव्यय, सबसे पहली बात तो यह है कि अव्यय ही क्या होता है, तो अव्यय अर्थात अव्यय, अव्यय की परिभाषा है न व्यय इति अव्यय, अर्थात सभी शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वे अव्यय कहलाते हैं। वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो मतलब अलग अलग नहीं किए जा सकते हो वे अव्यय कहलाते हैं, तो अव्यय ये शब्द होते हैं। और यदि बात आपके पास में परीक्षा में ऐसे आ गई जैसे कृष्ण से समय को, तो अब आपको इसका उत्तर देना है, तो आपको सामासिक पद की जगह इसका उत्तर देना है। यहाँ पर उत्तर दे दिया जैसे उत्कृष्टम लिख दिया, उत्कृष्टम शब्द को अंडरलाइन कर दिया और आगे समास का नाम जो लिखा है वो अव्यय भाव समास है, वो लिखना है। मतलब प्रश्न या प्रश्न को अंडरलाइन नहीं करना, जो उत्तर देते हो उत्तर को अंडरलाइन कर दो और आगे समास का नाम आप लिख दो। तो देखिएगा यहाँ पर छह प्रमुख अव्यय, अव्यय भाव समास में छह प्रमुख अव्यय है वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, और वो किस किस अर्थ में देखिएगा, जो दूसरा अव्यय मैं आपके सामने लिख गए हैं वो है पास का उप, और उप का अर्थ होता है पास में। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर उदाहरण दे रखा है उपकृष्णम, उपकृष्णम। अब इसका देखिएगा जब हम समास विग्रह करते हैं तो ये पास है, पास शब्द है, इसका संस्कृत शब्द होता है समीपम, तो यहाँ पर हो गया कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम कृष्ण के पास में। अब देखिएगा उप का अर्थ होता है पास में, तो यहाँ पर यह समीप पास में, और जैसे ही दोनों को समास के आधार जैसे दोनों को साथ में लाए तो यहां पर हमारे पास में यह पद उभर कर आ गया, अभी आ गया हो। तो यह दूसरा हुआ उप। फिर देखिएगा अनु, अनु का अर्थ होता है योग्य, अनु अव्यय है, अनु का अर्थ होता है योग्य। और देखिएगा जैसे यहां पर था अनुरूपम, अनुरूपम आया हुआ था, तो अनुरूपम का यदि हम समास विग्रह करें तो वो क्या होगा, रूपस्य योग्यम, क्योंकि अनु का अर्थ क्या होता है, समास किया समास हो गया रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य, तो इसका समास
इसका मैंने उदाहरण लिख दिया है आपके सामने, प्रत्येकम प्रत्येकम, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति, एक एक प्रत्येक, मतलब एकम एकम प्रति, एक एक प्रति, एक प्रत्येक की जहां पर होती हो, एक एक की जहां पर गणना होती हो, प्रत्येक, तो प्रत्येकम एकम एकम प्रति, इसके अंदर भी समास अव्यय भाव ही होगा। फिर इसके बाद में निर, निर का अर्थ होता है नहीं। अब जैसे यहां पर देखिए का उदाहरण आपके सामने है, उदाहरण लिख दिया है निर्वक्षिकम, तो इसका जैसे ही हमने सॉरी समास विग्रह किया तो यहां पर हो गया मक्षिकाणाम अभाव, मक्षिकाणाम अभाव अर्थात मक्खियों का अभाव, और यहां पर यह था जैसे इसको साथ में किया तो निर हमारे साथ हमारे पास में जो अव्यय था वो निर अव्यय उभर करके यहां पर आ गया निर्वक्षिका, निर्वक्षिकम अर्थात मक्षिकाणाम अभाव, मक्खियों का अभाव। अब देखिएगा